तो स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम में, अगर ऑब्जेक्टिव में या न्यूमेरिकल में आए, एच अल्फा लाइन अगर मेंशन हो, यानी कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी का केस है। और मिनिमम फ्रीक्वेंसी कब निकलती है? जब ट्रांजिशन एन इज इक्वल टू टू से एन इज इक्वल टू वन में होती है। एन इज इक्वल टू टू से वन में जो एनर्जी है, जो फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम है, क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस मिनिमम होता है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या बोलते हैं? एच अल्फा लाइन है। तो अगर एच अल्फा लाइन आ जाए तो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ करवानी है? एन इज इक्वल टू टू से एन इज इक्वल टू वन में। एच बीटा लाइन में ट्रांजिशन एन इज इक्वल टू टू से एन इज इक्वल टू वन में डिफरेंस क्या होगा? दो ट्रांजिशन का फर्क होगा, दो का। इसमें एक का होगा, इसमें दो का होगा। इसमें क्या होगा? एच गामा लाइन में तीन ट्रांजिशन का फर्क होगा। और इसमें सीरीज लिमिट क्या बोलते हैं? सीरीज लिमिट का मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी कि इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन गिरेगा तो उसको क्या बोलते हैं? जब इन्फिनिटी से गिरता है तो ऐसे केस में सीरीज लिमिट बोला जाता है। वैसे यूज नहीं होता, पर फिर भी मैंने मेंशन कर दिया, बुक्स में गिवन है, यूज कम होता है। अब ये यूज होते हैं। एनर्जी स्टेट कॉरस्पॉन्डिंग टू एन इज इक्वल टू वन हैज लोएस्ट एनर्जी इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एन इज इक्वल टू वन में जो एनर्जी होगी -13.6 बाई वन स्क्वायर होगी, तो लोएस्ट एनर्जी होगी। दिस स्टेट या ऑर्बिट इज कॉल्ड ग्राउंड या नॉर्मल स्टेट ऑफ एटम। तो नॉर्मल या ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी क्या होती है इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन में? -13.6 बाई वन स्क्वायर, यानी कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर अगर एक्साइटेशन एनर्जी की बात करते हैं, एक्साइटेशन क्या होती है? एक्साइटेशन होती है इनर शेल से आउटर शेल पे इलेक्ट्रॉन को लेके जाना। तो आपने कितनी एनर्जी दी ताकि इलेक्ट्रॉन इनर से आउटर शेल में चला गया, उस एनर्जी को एक्साइटेशन एनर्जी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हाइड्रोजन में न्यूमेरिकल में फर्स्ट एक्साइटेशन की एनर्जी पूछे, फर्स्ट एक्साइटेशन का मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन था वो एन इज इक्वल टू वन पे था, फिर कहाँ पे चला गया? एन इज इक्वल टू टू पे चला गया। इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन। तो एन इज इक्वल टू टू पे जाना, फर्स्ट एक्साइटेशन। तो एनर्जी क्या होगी? फाइनल एनर्जी -13.6 बाई टू स्क्वायर माइनस इनिशियल एनर्जी, जो कि 10.2 आएगा। न्यूमेरिकल्स में ये फिगर कई बार ऑब्जेक्टिव के अंदर 10.2 डायरेक्ट यूज कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव वाला, क्योंकि उसको पता होता है कि स्टूडेंट प्रैक्टिस करके आया है, तो पहली ट्रांजिशन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेगी। फिर सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट में क्या होगा? शेल नंबर थ्री से वन पे गिरेगा, तो थ्री पे एनर्जी क्या होगी? -13.6 बाई थ्री स्क्वायर, और वन पे क्या होगी? -13.6 बाई वन स्क्वायर। तो जो भी एक्साइटेशन एनर्जी आएगी वहां से पुट कर लेना, आंसर आएगा। उसी तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है?